हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द साइम्स किचन में। मॉनसून के सीजन की शुरुआत हो गई है। इस सीजन में जनरली हमें कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करता है या हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है। आज हम ऐसी ही कुछ गर्मा गर्म रेसिपी लाने वाले हैं। हम लाने वाले हैं लौकी का हलवा। अब लौकी के हलवे में क्या क्या लगता है, कैसे बनता है, चलिए आइए मैं बताता हूँ। तो लौकी के हलवे के लिए हमने यहाँ लिया है 1.5 किलो लौकी। इसको हमने बहुत फाइनली कद्दूकस कर लिया है। साथ ही साथ हमने इसके अलावा लिया है मावा, क्योंकि 1.5 किलो लौकी लिए तो मैंने यहाँ पे लगभग 300 ग्राम मावा लिया है। इसके अलावा हमें जो लगेंगे वो लगेंगे ड्राई फ्रूट्स, हमें लगेगा यहाँ पे इलायची पाउडर, साथ ही साथ हमें लगेगी शक्कर और हमने लिया है दूध। इसके अलावा जो चीज़ लगेगी वो लगेगी घी, क्योंकि देसी घी के बगैर कोई भी हलवे का स्वाद अधूरा रहता है। अब हमने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। अब हमने इसमें तकरीबन निकाल दिए है 3 से 4 चम्मच घी। अब इसको मैं हल्का सा गरम होने दूंगा और इसको पूरा गरम नहीं होने देना है, क्योंकि इसको हमें जलाना नहीं है, हमें हल्का हल्का पकाना है अपने लौकी को। तो ये जैसे ही थोड़ा सा गरम हो जाएगा इसके अंदर हमें पूरी लौकी इसके अंदर डाल। अब घी हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो कद्दूकस किया हुआ है लौकी है उसको डालने वाला। तो बेस्ट पार्ट ऑफ लौकी का हलवा ये खुद के पानी में और दूध में पकती है। इसका सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो हलवा है ये पूरा का पूरा इसके पानी और दूध के अंदर ही पकता है। तो हमें इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखना रहेगा सो दैट इसके अंदर का पानी सूख जाए। अब हम लौकी को इसी के अंदर पकाते रहेंगे और इसके पानी सूखने तक हम इसे लौकी को पूरा पकाते जाएंगे और इसको हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या रहेगा, हाई फ्लेम पे होने के कारण ये जल्दी से जल्दी सुखाएगा पानी और हमारी लौकी उतनी ही जल्दी पक जाएगी। और बीच बीच में हमें इसको चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो नीचे चिपकने का डर बना रहेगा। अब इस सिचुएशन में जब पानी बहुत हद तक सूख चुका है हम इसमें ऐड करेंगे दूध। हमने तकरीबन आधा लीटर फुल क्रीम दूध ऐड किया है। अब हम इसे वापस से वही हाई फ्लेम पे इसको पकाते रहेंगे जब तक ये दूध भी इसमें पूरा का पूरा सूख ना जाए। अब समय आ गया है इसके अंदर शक्कर ऐड करने का। मैं इसमें तकरीबन 200 से 250 ग्राम शक्कर ऐड कर रहा हूं। आप अगर चाहे तो आपके स्वाद के हिसाब से आप घटा या बढ़ा सकते हैं। शक्कर ऐड करने के बाद हमें फ्लेम को फिर से हाई कर देना है और इसे तब तक करना है जब तक हम इस पानी को फिर से सुखा ना दें। फ्लेम हुई हाई, हमें इसको बीच बीच में चलाते रहना। अब समय आ गया है इसके अंदर ऐड करने का मावा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम मावा लिया है। मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके ऐसे ही मावा ऐड करूँगा। मावा डालने के बाद हमको फिर से इसको मिक्स करना है। हम इसे प्रॉपरली फिर से मिक्स करेंगे और इसे हम फिर से हाई फ्लेम पे रख देंगे, मगर इस बार हम बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे, नहीं तो मावा डालने के बाद ये चिपकने का ज़्यादा खतरा बन सकता है। अब मावा इसमें डाल चुके हैं हम। अब इसको प्रॉपरली इसको धीमी आँच पर हम हिलाते रहेंगे और इसमें अब टाइम आ गया है ड्राई फ्रूट्स के जाने का भी। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ काजू, बादाम, चरोली और साथ ही साथ किशमिश। आपके पास जो भी हो आप इसमें ऐड करें, स्वाद और बढ़ता है। अब टाइम आ गया इसके अंदर डालने का ड्राई फ्रूट्स। ये गई मेरी किशमिश और मैं इसमें ऐड करूँगा काजू। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगा बादाम। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगा इलायची का पाउडर जो स्वाद को और निखार देगा। अब मैं इसमें डालने के बाद इसको एक बार फिर से मिक्स कर लूंगा और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगा। तो फाइनली बनकर तैयार हो गया है हमारा
लौकी का हलवा। अब मैं इसकी फाइनल प्लेटिंग और ड्रेसिंग पे जाऊंगा। तो फाइनली बनकर तैयार है लौकी का हलवा। इस मॉनसून सीजन में आप इसे खाएं, औरों को खिलाएं, और अगर आपको पसंद आए तो पता है ना आपको क्या करना है, मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।